मैं हिमांशु कुमार राय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, अपने से संबंधित कुछ बात रख देता हूं जिससे कि पूरी शेयरिंग और क्लियर हो जाएगी। तो एमएनआरईसी मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद से एमटेक करने के दौरान 1995 में कॉलेज के सामने ही गंगा नदी के तट पर एक नारायण आश्रम है, मैंने वहीं से गुरु दीक्षा ली है। परंपरा में जैसा कहा गया है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है, और वो तभी संभव है जब कोई मनुष्य आत्मा में स्थित हो। तो सूचना के रूप में यह बात पता थी कि मानव आत्मा और शरीर के रूप में है, पर यह स्पष्ट नहीं था कि आत्मा और शरीर के बीच कैसा सामंजस्य है। दूसरी सूचना यह भी थी कि आत्मा में स्थित होने के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता होती है। भक्ति के लिए गुरु मंत्र का जप, भजन, कीर्तन और सत्संग किया करते रहे, अभी भी जारी है। ज्ञान के लिए समय समय पर ग्रंथों का अध्ययन, और रही बात वैराग्य की, तो उसी गंगा नदी के दूसरे छोर पर काफी दूर एक ऐसा स्थान था जहां पर लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आते थे। वहां पर उस अंतिम संस्कार को देखते हुए यह बात मन में उठती थी कि जीवन में क्या रखा है। देखें, कुल मिलाकर गुरु भक्ति के साथ जीना हो रहा था। इस बात का भी एहसास था कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और वैराग्य भी पूरी तरह संभव नहीं है। इसी क्रम में जनवरी 2018 में इस विषय वस्तु से जुड़ना हुआ। कंटेंट से जुड़ने के शुरुआती दिनों में ही यह बात दिख गई कि सही के अर्थ में जितना हम जी पाते हैं वास्तव में वही हमारा ज्ञान है, बाकी सब सूचना मात्र है। अतः ज्ञान को लेकर जो मान्यता बनी थी वह अब टूट गई। हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, या यूं कहें कि सभी समस्याओं की जो जड़ है, वो यही है कि मानव अपने आप को शरीर मानकर जीता है। इसलिए मैं अपनी बात एक्सरसाइज 2 के स्टेप 1 से शुरू करता हूं। यहां इस कंटेंट में प्रस्ताव मिला कि मानव शरीर और सेल्फ के सह अस्तित्व के रूप में है। यहां पर सेल्फ को जो B1 और B2 ब्लॉक के रूप में दिखाया गया है, उससे सेल्फ की वास्तविकता ज्यादा स्पष्ट हुई। और फिर यह दिखा कि जो हम आत्मा की बात कह रहे थे वह सेल्फ का ही एक एलिमेंट है, हिस्सा है। सेल्फ की क्रियाओं और उसकी आवश्यकताओं से सेल्फ को देखना समझना और आसान हो गया, और साथ ही साथ सह अस्तित्व के अर्थ में शरीर के प्रति सेल्फ की जो जिम्मेदारी है उसको और अच्छी तरह से समझ पाया, जिससे संयम का भाव अपने आप में पुष्ट हुआ। पहले यह संयम के भाव के रूप में नहीं था, शरीर का ख्याल तो करते थे, लेकिन यह दृष्टि बदल गई। एक और बड़ा अंतर अपने आप में दिखता है कि जितना जितना हम सेल्फ और शरीर को देखते हैं अलग अलग वास्तविकताओं के रूप में, और जितना जितना ध्यान जाता है
कि सुविधा केवल शरीर के अर्थ में है, उतना उतना सुविधा की सही पहचान हो पाती है और वैसे ही समृद्धि का भाव पुष्ट होता है। तो ये मैं एक्सरसाइज 2 के स्टेप 1 के दो आउटकम के रूप में देखता हूं, अपने अंदर संयम का भाव और समृद्धि के भाव के रूप में। एक्सरसाइज 2 का स्टेप 2 सेल्फ यानी मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान है, यह भी स्पष्ट दिखता है। स्टेप 3 में शरीर से आने वाली किस संवेदना को पढ़ना है या फिर क्या निर्देश देना है, यह निर्णय तो मेरा ही है, अर्थात सेल्फ का है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर से आ रही संवेदना को पढ़ना मेरी मजबूरी है, पर यह भी लगता है कि यह मेरी योग्यता में ही कमी है, क्योंकि परंपरा में भी हमने महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में सुना है कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। एक्सरसाइज 2 के शुरुआती इन 3 स्टेपों जो 3 स्टेप्स हैं, इनमें साफ साफ दिखता है कि सेल्फ ही सीयर, डूअर और एंजॉयर है, शरीर तो केवल साधन मात्र है। परंपरा में हम जिस साधन, साध्य और साधना की बात करते हैं, उस साधना का सही अर्थ मुझे एक्सरसाइज 1 में देखने को मिलता है। एक्सरसाइज 1 अर्थात सेल्फ द्वारा सेल्फ को देखना, और यही एक साधना है। पहले हम साधना अर्थात मन को परमेश्वर या फिर गुरु चरणों में लगाना ऐसा मानते रहे, और इस क्रम में मन कई बार भटक जाता था, फिर उसको पुनः वापस लाने का प्रयास किसी रस्सा कसी टग ऑफ वार की तरह लगता है। साथ ही साथ ये मान्यता भी बनी हुई थी कि मन तो बहुत चंचल है, अतः यह सब करना ही पड़ेगा, इस पर मन पर काबू पाना ही होगा। यहां एक्सरसाइज 1 के स्टेप 1, 2 और 3 में जो यह बात कही जा रही है कि प्रतिक्रिया न करें, मुझे लगता है यह एक बहुत महत्वपूर्ण और कारगर उपाय के रूप में दिखता है। केवल देखते रहना है, उस वजह से सजगता बनी रहती है। इस विषय वस्तु के माध्यम से इस बात पर समझ बनी कि मेरे में चल रहे विचार का आधार भाव है, और फिर सहज या संबंध के भाव में रहकर मैं सुखी होता हूं, यह बहुत ही स्पष्ट दिखा है। यह भी दिखा कि भाव के स्तर पर जाए बिना परस्पर पूरकता का अर्थ या उसका दिखना सही ढंग से नहीं हो पाता है। भाव के स्तर पर जाना ही होगा अगर हमें परस्पर पूरकता का अर्थ समझना है। तो बनते बिगड़ते भाव कभी किसी घटना से पहले तो कभी उस घटना के समय या फिर कभी किसी घटना के बाद दिख जाते हैं। उनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि मैं कितना सजग हूं। इतना ही नहीं, बिगड़ते भाव इस बात का भी एहसास करा देते हैं कि कोई संस्कार ऐसा है जो गहरे में बना हुआ है। एक्सरसाइज 1 के स्टेप 4 पे हम बात करते हैं। यह तो अब पूरी तरह दिख गया है कि मैं अपने भाव विचार का जिम्मेदार स्वयं हूं। जब मैं सहज भाव में रहता हूं तो सुखी रहता हूं। यहीं पर इस बात की पुष्टि होती है कि सुख प्रभाव का विषय नहीं है, स्वभाव में रहना ही सुख है।
समभाव के साथ जीना चाहिए, ऐसी सूचना परंपरा में मुझे मिली थी। पर उसे कैसे प्राप्त करेंगे, यह एक्सरसाइज वन के प्रारंभिक चार स्टेप में बहुत स्पष्ट दिखता है। एक्सरसाइज वन का स्टेप फाइव, संस्कार सीधे सीधे नहीं दिखता है, लेकिन संस्कारों के परिमार्जन के लिए स्वयं में संबंध और व्यवस्था का आभास होना मुझे एक कारगर उपाय के रूप में दिखता है। अस्तित्व में एक व्यवस्था है ही, इस बात का आभास तो होने लगा है। संस्कारों के परिमार्जन में किया गया प्रयास ही तप है, ऐसा मुझे लगता है, और यह तप मुझे करना ही होगा, ऐसी निष्ठा दिन प्रतिदिन बनती जा रही है। एक्सरसाइज वन का स्टेप सिक्स, यह दिखता है कि संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णता के अर्थ में समझना होगा, और उसकी शुरुआत संबंध के पहचानने और निर्वाह करने से होगी। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने में और परिवार में व्यवस्था बनी रहती है। हम संबंध को भी तभी सही तरीके से जी पाते हैं जब यह दिखता है कि दूसरा भी सेल्फ के स्तर पर हमारी फीलिंग को स्वीकारता है, पहचानता है और उसका मूल्यांकन करता है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, काफी अनम्यूट हो गए। नहीं, मैं म्यूट तो अनम्यूट है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है कुमार भैया, आवाज आ रही है, क्लियर है। तो मैं जारी रखता हूँ फिर अगर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एक्सरसाइज वन के स्टेप सिक्स में। तो सुबह का सत्र संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णता के अर्थ में समझने और जानने के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, ऐसा मुझे दिखता है। एक्सरसाइज वन का स्टेप सेवन, जो ये कहता है कि संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में अपने भाव विचार को हर पल हर क्षण बनाए रखना ही निरंतर सुख की स्थिति है, ये दिखता है कि यही वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है। यह बात विचार के स्तर पर तो दिखाई देती है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, ये तो दिखता है। जितनी उपलब्धि हो गई है उससे उत्साह बना है, और यही उत्साह ही आगे बढ़ने का साहस भी देता है। यहां पर अपने में आए एक बदलाव को जो मैं देख पाता हूं उसको रखना चाहूंगा। इस कंटेंट से जुड़ने से पहले, जब मैं अध्यात्म से जुड़ा ही रहा, मुझे आइसोलेशन अर्थात एकांत में रहना ज्यादा पसंद था, क्योंकि उस समय मैं परमेश्वर के पवित्र नामों का जप या ध्यान लगाकर रखता था और सुख की स्थिति बनी रहती थी। तो जो ये स्टेप सेवन में बात हो रही है कि संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में अपने भाव विचार को रखना, सुख की उससे सुख की स्थिति बनी रहती है, इसको एक लेवल पर मैं देखता हूं कि मैं उसको जी रहा था। अंतर यह दिखता है कि ऐसा करते वक्त मुझे एकांत चाहिए था और मैं उस समय परमेश्वर के पवित्र नामों का जप और ध्यान में रहता था, इसलिए मुझे लंबे समय तक अकेले में रहना अच्छा ही लगता। मैं अक्सर सुनता था लोगों से कि लोग कहते थे कि अकेले में तो काटता है, अकेले में कैसे रहेंगे, कोई बात करने के लिए चाहिए। और मैं देखता था कि मैं अकेले में बल्कि ज्यादा सुख में हूं। घंटों अगर मुझे अकेले में रहना पड़े तो मैं अपनी उस
ध्यान में बना हुआ हूं। तो नतीजा मैं देखता था कि धारणा यह बन गई कि लोगों के बीच रहना अपनी सुख शांति खोना है। परंपरा में अक्सर कहा गया है कि मनुष्य विषय में लगे रहते हैं, विषय मनुष्य, ऐसी बातें होती रहती है। तो ये धारणा बनती चली गई और फिर मैं अपने आप से कहने लगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जो अपने जैसे विचार के लोग होते, खास तौर से अध्यात्म से जुड़े लोग, उसी से संबंध दिखता, या यूं कहें कि उनसे ही संबंध रखते। हर किसी से संबंध है ही, ऐसी बात नहीं दिखती थी। ये इस कंटेंट से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अंतर आया है। इसलिए संबंध को देखने, पहचानने और निर्वाह करने के अर्थ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और यह दिखा है कि संबंध के भाव से जीना सुख और उसकी निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसको मैं एक्सरसाइज 1 के शुरुआती स्टेप में देखकर अनुभव करता हूं। एक्सरसाइज 2 का स्टेप 5 पे आते हैं। मुझे व्यवहार की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगती है। दो बातें हैं जब हम व्यवहार करने जाते हैं। एक तो मैं जब अपनी बात दूसरे के सामने रखता हूं, और दूसरी तरफ जब मैं दूसरे को सुनता हूं। अब यह बात जैसे ही समझ में आ जाती है कि दबाव और प्रभाव हमें सहज स्वीकार नहीं है, वैसे ही हम अपनी बात दूसरे के सामने प्रस्ताव के रूप में रखते हैं। और हमने देखा है कि यह व्यवहारिक जीवन में बहुत कारगर है। दूसरा हमें स्वीकारता है जब हम उसके सामने कोई बात प्रस्ताव के रूप में रखते हैं, और फिर हम दोनों के बीच का जो संवाद है वो डिस्कशन के रूप में होता है, न कि डिबेट के रूप में। वहीं दूसरी तरफ जब हम दूसरे को सुनते हैं तो उसकी आवाज संवेदना के रूप में कान तक, शरीर तक आती है। उसको पढ़ने का निर्णय मेरा होता है, साथ ही साथ मैं अपने अनुसार उसको एक अर्थ देता हूं। ये अर्थ मेरे संस्कार या फिर उस व्यक्ति से मेरे एक्सपेक्टेशन, आशा पर निर्भर करता है। जहां तक मेरे एक्सपेक्टेशन का सवाल है, उसको लेकर मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा है। क्या पूछा? उसको मैं रख दे रहा हूं। मैंने पूछा अपने आप से कि एक वर्टिकल सिलेंडर को मैं सामने से देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे उत्तर मिला, एक रेक्टेंगल। फिर एक दूसरा व्यक्ति उस वर्टिकल सिलेंडर को ऊपर यानी टॉप पे उसे देख रहा है, उसे क्या दिख रहा है? मैंने उत्तर दिया, एक सर्कल। अर्थात दिखता है कि एक ही दृश्य का दर्शन अलग अलग दृष्टा के लिए क्या होगा, यह उनकी स्थिति अर्थात दृष्टि पर निर्भर करता है। और ये बात मैंने अपने आप से कई बार पूछा और अपने अंदर घर कर गई है। वो ये कि दृश्य एक ही है, उसका दर्शन अलग अलग होगा, अलग अलग दृष्टाओं को या किसी एक दृष्टा को, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी दृष्टि उस समय कैसी है। तो फिर इसी तरह अलग अलग संस्कारों वाले लोग किसी दृश्य का दर्शन अलग अलग ही करेंगे। इसको इस तरह से मैंने कंक्लूड किया अपने आप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं क्यों मानूं कि किसी ने कोई गलती करी है?
वो अपने उस संस्कार से वही देख पा रहा है, उसने कोई गलती करी ही नहीं। ऐसे भाव विचार के साथ जब हम दूसरे को सुनने जाते हैं तो सीधे सीधे सुनने का काम होता है। और फिर मैं संबंध के भाव से प्रस्तुत होता हूं, लेकिन ये बात भी सही है, ये हमेशा नहीं हो पाता है। अतः यह दिखता है कि अपने पर बहुत काम करने की जरूरत है। एक्सरसाइज 2 का जो स्टेप 6 है, वहां यह दिखता है कि मेरे सुख के अर्थ में मेरे संस्कारों का कितना बड़ा योगदान है, और फिर संस्कारों के परिमार्जन के बिना निरंतर सुख में जीना संभव नहीं है। तो जिसके लिए क्या करना होगा, मुझे लगता है एक्सरसाइज 1 के स्टेप 1, 2 और 3 पर निरंतर काम करना होगा, यानी अपने भाव विचार को निरंतर देखना होगा। एक्सरसाइज 2 का जो स्टेप 7 है, विचार के स्तर पर तो ऐसा दिखता है जैसा उसमें मेंशन किया गया है, परंतु जीने के स्तर पर बहुत दूर की बात लगती है। शून्य को अभी भी हम आकाश से ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहे, या यूं कहें कि शून्य की वास्तविकता क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से दोनों एक्सरसाइज के स्टेप्स रहे। तो ये दिखता है कि सही समझ और सही भाव के साथ जीने में ही निरंतर सुख है, इसलिए इस पर तो समय लगाना ही होगा, अपने आप पर काम करना ही होगा। ये कमिटमेंट तो है ही है, अपने आप से ही है। और साथ ही साथ सामाजिक जो भागीदारी है उसका भी निर्वाह करना मेरा दायित्व है, ये भी मेरा मानना है, ऐसा मुझे दिखता है। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी तरफ से अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव। बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया से आपने पूरी बात रखी है। आपका जो अपना एक पुराना संस्कार रहा है जिसमें ज्ञान की एक अभिप्सा रही है, बहुत सारी चीजों को आपने देखते हुए उसको अर्थ देने का काम किया था, और कैसे इस प्रस्तावना से जुड़ने के बाद उसमें परिमार्जन हुआ है, ये जो स्टेप्स हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं हमारे जीने में, हमारे पूरे भाव कल्पना में, आगे की योजनाओं में, उन सब बातों को भी आपने रखा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से, बारीकी से आपने पूरी बात को शेयर किया, बहुत ही सुंदर। तो प्रियंका जी की शेयरिंग को सुनते हैं, उस बाद फिर हम लोग और डिस्कशन इस पर करेंगे। जी नमस्ते। जी मैं अपनी जी नमस्ते भैया, अपनी बात में रखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रियंका राय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरा UHV से परिचय सन 2018 में हुआ, जब मेरे हस्बैंड ने UHV की वर्कशॉप पहली बार की। जब वो वर्कशॉप करके आए तो उनके अंदर कुछ बदलाव सा दिखा, तो पूछने पर उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी वर्कशॉप थी। वर्कशॉप का कंटेंट क्या था ये पूछने पर उन्होंने उत्तर में कहा कि वर्कशॉप अटेंड करने पर ही सही तरह से कंटेंट समझ आएगा, और तुम्हें भी वर्कशॉप करनी चाहिए, अटेंड करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो थोड़ा मेरा भी मन बना, लेकिन अगर मैं अपने आप में देखूं तो मुझे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिससे निरंतर सुख मिले। मुझे यह दिखता था कि कुछ खालीपन है, कुछ मिसिंग है, फिजिकल फैसिलिटी, उपहारों, सामानों, कपड़ों में केवल क्षणिक सुख है, इसका एहसास होता था मुझे पहले। तो उनके कहने के बाद और इन सब विचारों के साथ मैंने जून 2019 में पहली बार UHV की वर्कशॉप की। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और मुझे स्वयं पर ध्यान देना है समझ में तो आ गया,
लेकिन कैसे करना है वहां पर मैं रुक गई। फिर अक्टूबर 2020 से मॉर्निंग सेशन मैंने ज्वाइन किया, तो उसकी बात अब मैं करती हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज वन के स्टेप्स की बात करूं तो मैं स्टेप वन से स्टेप फोर तक तो ठीक से देख पाती हूँ, लेकिन हर क्षण नहीं। लगातार बदलते विचार, साथ साथ भाव दिखते हैं। जब मैं घर पर होती हूँ तब विचार, भाव, सहजता, असहजता, वो भी हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी देख पाती हूँ। कॉलेज में तो 5-10% ही ध्यान जा पाता है, लेकिन हाँ, घर वापस आकर जब विचारों में पुनः कॉलेज की कोई घटना आती है तो मुझे अपने भाव व असहजता स्पष्ट दिखती है, और इससे अपने आप में कई बार आराम की स्थिति बनती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। एक्सरसाइज वन का स्टेप फाइव जो है कि भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय किसके आधार पर है, मान्यता के आधार पर है या सही समझ के आधार पर है। मैं इस स्टेप को समझ और देख पा रही हूँ, और अगर इस स्टेप के प्रति सजगता की बात करूं तो अभी मैं जिस स्तर पे हूँ तो मुझे लगता है कि ज्यादातर मेरे भावों का उतार चढ़ाव स्टेप फोर तक आकर थोड़ा शांत हो जाता है, कह सकती हूँ सॉल्व हो जाता है। लेकिन भाव जो बहुत ही गहरी मान्यता के आधार पर चलते हैं उन्हें भी मैं देख पाती हूँ, लेकिन थोड़ा भी उसमें समय लगेगा। थोड़ा क्या, अभी मुझे लगता है अभी तो इनिशिएट हुआ है और उस पर ठीक से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मान्यताओं और संस्कारों पर बहुत काम करना है। अभी मान्यताओं संस्कारों से निकलने का प्रयास या प्रोसेस कह सकती हूँ मैं, अभी बस शुरू ही हुआ है मेरा। और स्टेप सिक्स से साफ दिखता है कि संबंध का भाव ही सहज स्वीकार्य है। और स्टेप सेवन की मैं बात करूं तो अभी 2 महीने पहले जब मैंने UHV 3 की वर्कशॉप की, तब तक इस स्टेप को लेकर मैं आश्वस्त थी। मुझे लगता था कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये UHV 3 के वर्कशॉप के बाद मुझे इस स्टेप का विस्तार से अर्थ समझ में आया, और मुझे लगता है अभी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई हूँ। तो ये सारा एक्सरसाइज वन के सारे स्टेप्स के बारे में मैंने बात रखी। अब अगर एक्सरसाइज टू की बात करूँ तो सारे स्टेप मुझे तथ्य के रूप में समझ आ गए हैं, और लेकिन बहुत अपने आप में देखना नहीं हुआ है तो कुछ बातें मैं रखती हूँ। एक्सरसाइज टू के स्टेप वन में बॉडी और सेल्फ को अलग अलग में देख पाती हूँ, और सामान्यतः ये दिखना ऐसे ही हो पाता है कि बॉडी और सेल्फ की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। फिजिकल फैसिलिटी की कितनी आवश्यकता है उस पर मेरा ध्यान गया है, कपड़ों, घर में रखे सामानों, किचन वेयर्स, ये सब देखकर लगता है कि कितना इकट्ठा कर रखा है मैंने। और अब कुछ चीजें जो त्योहारों के समय लगता था कि मान्यता बस लगता था कि खरीदना बिल्कुल कंपलसरी है, वो अब हम लोग अपने घर में नहीं खरीदते और ये निर्णय ले पा रहे हैं। ये UHV की बातों से ही हो पा रहा है। अगर मैं स्टेप 2 और 3 के बारे में देखूं तो एक्सरसाइज जब कभी मैं करती हूँ या ऑफिस जा रही होती हूँ तो इस बात पर ध्यान जाता है कि मैं ही बॉडी को निर्देश दे रही हूँ और बॉडी उस निर्देश के अनुसार काम कर रही है। स्टेप 4 की मैं बात करूं जो है कि मैं संवेदना नहीं हूँ और मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, तो अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो मुझे सिर दर्द की समस्या थी, तो अब सिर दर्द की स्थिति में कुछ हद तक मैं संवेदना को न पढ़ने के प्रयास में सक्षम हो पाई हूँ। तो एक्सरसाइज 2 के बारे में मैं इतना ही अभी तक प्रयास किया है मैंने। और अगर पूरे एक्सरसाइज 1 और 2 का अपने ऊपर इम्पैक्ट देखूं तो
बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये मेरे लिए कि मैं शांत रह पाती हूँ अब। चौथा बिंदु है यहाँ शेयरिंग में कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि मुझे पहले भी सुख का एहसास फिजिकल फैसिलिटी, कहीं घूमने या कहीं रेस्टोरेंट जाने से नहीं सुख का एहसास दिखता था, छड़क ही होता था, या मैं कहूँ कि एक्साइटमेंट था, वो सुख नहीं था। तो जब यूएचवी के कंटेंट से जुड़ी तो दिखा कि कुछ करके कुछ पाकर हम सुखी नहीं हो सकते, और ये सुख तो मेरे अंदर ही है, मेरा स्वभाव है ये सुख, और बहुत ही बड़ा अनुभव था ये मेरे लिए। इससे यूएचवी के कंटेंट के प्रति मेरी बहुत बड़ी आस्था बनी और इस पर काम करने का भी मन बना। और हमारे घर में परिवार सभा के रूप में यूएचवी की चर्चा होती है। हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। तो कई मान्यताएं और संस्कार जो हम दोनों पति पत्नी के अंदर एक्युमुलेटेड हैं और कहीं ना कहीं हमने ही बच्चों को ट्रांसफर कर दिए हैं, उन पर हम नए सिरे से परिवार सभा में बात करते हैं, और बच्चों को ये बातें समझ में भी आती हैं और बच्चों में भी बदलाव दिखता है। जी भैया, इतनी बात बस मुझे रखनी थी। जी, और अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर इंडक्शन प्रोग्राम में मैंने यूएचवी क्लास के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है, और इससे पहले यूएचवी रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शन का काम किया है मैंने, और एमपी स्कूल एजुकेशन के कंटेंट डेवलपमेंट में भी थोड़ा सहयोग दिया था। और अगर आगे मेरी स्थिति के हिसाब से कोई सहयोग का अवसर बनता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। जी, यहीं पर मैं विराम देती हूं, और आप सभी के प्रति आभार, कृतज्ञता और बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बढ़िया दीदी, काफी संक्षेप में आपने बात रखी। जी 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 भैया, थोड़ा आप बताएं कि सुबह के अभ्यास से और इस कंटेंट से जुड़ने से आप के और मानसी जी के परस्पर संबंध में क्या परिमार्जन हुआ, समृद्धि के भाव में क्या परिमार्जन हुआ, कैसे अब आप लोग आवश्यकताओं को पहचानते हैं और पहले कैसे पहचानते थे, अगर इस पे आप कुछ शेयर करें तो सबके लिए उपयोगी रहेगा। जी जी भैया, तो समृद्धि के भाव को देखें तो अभी मैं बात करूं, जैसे अभी ये जो दिवाली बीती तो इस पर मैंने अपने ऊपर काम किया। सारे अपने जितने भी जब हमने सफाई की तो अपनी सारी चीजों को अच्छे से लगाया, और फिर वही जो भी मैंने आपको शेयर किया कि हमें दिखा कि कितना हमने इकट्ठा कर रखा है, और मुझे ये एहसास हुआ कि जितनी मेरी जरूरत है ये सब चीजें तो उससे भी बहुत ज्यादा है। तो इस बात का एहसास हुआ कि हम जिस चीज के लिए भाग दौड़ रहे हैं और इतने सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं और संबंधों पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारा जो सामाजिक दायित्व है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, तो ये बात दिखी। और फिर हमने, जैसे अभी मैंने बताया कि हमने निर्णय लिया कि जो त्योहारों में भी हम सामान लाते हैं, जैसे बहुत सारे फीमेल से रिलेटेड अभी करवा चौथ और जो तीज के व्रत होते हैं, या दिवाली में भी हम बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं, तो हमने इस बार निर्णय लिया कि हमें नहीं जरूरत है तो हम नहीं लाएंगे, जब जरूरत होगी तो ले आएंगे। तो ये बात दिखी और ये कर पाने में हम लोग सफल हो पाए, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। और जहां तक मैं और मेरे हस्बैंड हमारे बात है, तो आपस की अंडरस्टैंडिंग आप काफी बन पाई है, और काफी जैसे मेरे बच्चे काफी बड़े हैं और कह सकते हैं शादी के काफी साल भी हो गए हैं, बट अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को अब ज्यादा स्पेस दे पाते हैं, एक दूसरे की समझ बढ़ाने में भी सहयोग कर पाते हैं, और हमारी
अपने अंदर भी क्या हमारी गलतियां हो रही हैं, मुझसे क्या हो रही है गलती या मेरे हस्बैंड से क्या हो रही है, हम बहुत खुलकर कह पाते हैं। हम इस बात को एक प्रस्ताव के रूप में एक दूसरे के सामने रख पाते हैं कि मुझसे क्या गलती हो रही है या उनसे क्या गलती हो रही है, और फिर बिना कुछ बोले एक दूसरे को हम उस पर काम भी शुरू कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है, और परिवार में बच्चों पर बहुत अच्छा असर है इसका, और दोनों बच्चों की समझ बहुत बढ़ी है और वो भी पहले से ज्यादा शांत रहते हैं, और सुविधाओं की कितनी जरूरत है। बेटी मेरी बड़ी है, अगर उसकी मैं बात करूं तो अभी ऐसा होता है कि वो जब हॉस्टल से आती है, अभी वो बीटेक फोर्थ ईयर में है, तो जब हॉस्टल से आती है तो बीइंग मदर मैं उसको मार्केट ले जाती हूँ कि चलो कुछ सामान खरीद लो, और वो मार्केट घूम कर आ जाती है, अच्छा ठीक है मैंने देख लिया मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा बोलकर वो कुछ भी परचेज नहीं करती। और जबकि मैं बोलती हूँ वो अच्छा लग रहा था तुम्हें ले लेना था, हॉस्टल में कभी जरूरत होगी, तो लेकिन फिर भी वो मना करती है नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, बेटे में भी बदलाव है। तो जी भैया जी, बहुत सुंदर दीदी।